नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पानी पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पानी पूरी बनती है। तो सबसे पहले हम पानी पूरी का आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम ये सूजी ली है एक कटोरी, और जितनी हमने सूजी ली है उतना ही आटा भी लिया है। आटे की जगह आप वो ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और ये खाने वाला सोडा है, तो ये हम बिल्कुल एक चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए कितना ही हमको डालना है, और इन सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। सामग्री हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसका डो तैयार करेंगे। पानी हमने थोड़ा सा गुनगुना लिया है। ये देखिए हमारा आटा पूरा लग करके तैयार हो गया है। हमें इतना ही नरम लगाना है, ज़्यादा कड़क या नरम नहीं लगाना है। ये देखिए जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरीके से इतना ही लगाना है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे, और इसके ऊपर से ये गीला कपड़ा रख देंगे। ये हमारी किचन टॉवल है, तो इसको रख देंगे इसमें, और इसे हम खोलने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। 5-6 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल लेंगे और इसे एक बार और मसल लेंगे। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे और इसकी लोइयां काट लेंगे। देखिए चार हमारी इतनी बड़ी बड़ी लोइयां बनी हैं और एक इतनी छोटी सी बन गई है। चलिए हम बेलना शुरू करते हैं। तो हमें इसमें सूखा आटा या तेल कुछ भी नहीं लगाना है, इस तरीके से बेलेंगे। ये देखिए हमारी जो पूरी थी वो बेल चुकी है। हमको इतना पतला बेलना है, और किनारे में मोटी है तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसके बीच से कट निकालने हैं। तो हमारे पास ये कटोरी है, तो हम इससे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास इससे थोड़ा सा बड़ा हो उससे निकाल लीजिए, क्योंकि ये कटोरी हमारी थोड़ी ज़्यादा छोटी है। इनमें इस तरीके से कट लगा लेंगे सब में, और इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे इतने निकल गए हैं। अगर ये मोटे लग रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप बेलन और चला सकते हैं, हल्का हल्का, जैसे इस तरीके से, तो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी, पतली भी हो जाएगी। ये देखिए हम इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे, और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है, और तेल को थोड़ी देर हम गर्म हो जाने देंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने काट करके रखी थी पानी पूरी, तो वो डाल देंगे और गैस को मंदी कर देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है, इसको पलट देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी फुल्की बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हम मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हमने जीरा भूंज करके पीसा था, तो इसलिए ये ऐसा है। अब हम ये 3 मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। धनिया की पत्ती डाल देंगे, हमने धोकर के धनिया की पत्ती रख ली है। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने इतना ही डाला है। अब इनको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी इतनी ये पीस चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये आम की सूखी हुई हमारी है, तो इसको पहले हमने धो करके फुला दिया था, अब इसे भी पीस लेंगे। ये देखिए हम खोल करके चेक करेंगे, ये हमारी चटनी अच्छी तरीके से पीस चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकती हैं, लेकिन मैं नहीं छान रही हूँ, इसे डायरेक्ट डाल रही हूँ इसी में। इसमें डाल देंगे नमक, ये काला नमक है, और ये जीरा। जीरा हमने इसको भून करके और पीस लिया था, इसे हम डाल देंगे पूरा, और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकती हैं, या आम की अमहरी नहीं है जो हमने आम की अमहरी डाली है, इसको कच्चे आम को छील करके और इसको सुखाया जाता है तो उससे बनता है, तो आप इसकी जगह इमली डाल सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो हमने 1 लोटा पानी डाल दिया है। देखिए मैंने 3 आलू ले लिए हैं और छील लिया है, इसको उबाल करके और इसको इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे। इसमें डाल देंगे नमक और प्याज,
हम सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें काले चने को भी फुला करके और उबाल करके डाल सकते हैं, या छोले वाले भी चने डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से फुला करके नहीं रखा था, पर ऐसे भी ये फुल्की में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी पानी पूरी बनकर के पूरी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।